सुंदर नगर परिषद में आज हुए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। विधायक राकेश जम्वाल ने पार्षद जितेंद्र शर्मा को अध्यक्ष पद और रक्षा धीमान को उपाध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी की। बता दें कि विधायक राकेश जम्वाल ने अपने करीबी जितेंद्र शर्मा के लिए दावेदारी जताई है। उनके मुकाबले में किसी ने भी अपनी दावेदारी नहीं जताई और चुनावी प्रक्रिया में SDM राहुल चौहान की अध्यक्षता में जितेंद्र शर्मा को अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया और उपाध्यक्ष पद के लिए रक्षा धीमान को चुन लिया गया। आज नगर परिषद सुंदरनगर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का चुनाव हुआ है। सर्वसम्मति से नगर परिषद सुंदरनगर में जितेंद्र शर्मा जी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और श्रीमती रक्षा धीमान जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं समस्त पार्षदगणों का अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय, सभी पार्षदों से यही कहना चाहूँगा कि नगर के विकास के लिए, नगर परिषद सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद है, आज 13 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थक प्रत्याशी आज विजयी हुए हैं, इसका श्रेय मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को देना चाहूँगा। 3 वर्ष में जो सुंदरनगर शहर में जो विकास हुआ है, अथाह विकास, जिसको मैं कह सकता हूं कि पिछली किसी भी सरकार की 3 वर्ष के कार्यकाल की तुलना आप वर्तमान में जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल की 3 वर्षों की तुलना कर लें तो बहुत विकास जो है सुंदरनगर में हुआ है। हर विभाग ने यहां अच्छा काम किया है और हमारे चुने हुए सभी पार्षदों ने अच्छी मेहनत की, अच्छी छवि वाले हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत हासिल की है। मैं एक बार पुनः सुंदरनगर परिषद के सभी समस्त जनता का अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि नगर परिषद में भाजपा समर्थक प्रत्याशी को विजय मिली है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा।